सुनिएगा। द डार्लिंग ऑफ बिहार मीडिया इंडस्ट्री तेज प्रताप यादव, कुछ ऐसा ही हालात बने हुए हैं बिहार में, जहां तेज प्रताप लगातार मीडिया इंडस्ट्री के कैमरे के सामने चमक रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत लाइव टीवी से बात करते हुए तेज प्रताप ने एक बार कहा था कि मुझे पता है कि मीडिया की डार्लिंग कैसे बना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जिस तरीके से आज फुलवारी शरीफ के थाना को तेज प्रताप ने घेरा, मौका था एक औरत के शिकायत का। लगातार तेज प्रताप जनता दरबार लगा रहे हैं राजद कार्यालय में, जहां बड़े संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी शिकायत बता रहे हैं। उस शिकायत का उपचार तुरंत कर रहे हैं तेज प्रताप। ऐसे में एक महिला ने जब फुलवारी शरीफ थाना के बारे में शिकायत की, तो उस पर तेज प्रताप ने तुरंत एक्शन लिया था, जिसके बाद वहां के थाना प्रभारी से तेज प्रताप ने बात की थी। लेकिन वहां के थाना प्रभारी ने कुछ ऐसी बातें बोली तेज प्रताप को, जिसके बाद वो हाइपर हो गए और पहुंच गए थाना में, जहां जाकर उन्होंने थाना का घेराव किया। इस घेराव में तेज प्रताप के साथ उनके काफ़ी सारे समर्थक थे। और गौर करने वाली बात यह है कि काफ़ी दिनों से मीडिया से दूर, राजनीति से दूर और बिहार से जो गुम हो चुके थे सुभाष यादव, जो कि मामा है तेज प्रताप के, वो भी मौजूद थे और समर्थन देने आए थे तेज प्रताप यादव को। ऐसे में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है और पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर आज जो हमने कार्रवाई की उस पर अगर नीतीश चाचा सुनवाई नहीं करते हैं, उस पर अगर नीतीश चाचा ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में अब थाना नहीं बल्कि नीतीश सरकार की जो आवास है, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास कहें या फिर नीतीश कुमार का घर कहें, उसे अब घेरने की तैयारी में है तेज प्रताप। खैर, तेज प्रताप इन दिनों लगातार अपने पिता के अंदाज में, जी हां, लालू प्रसाद के अंदाज में तेज प्रताप पूरे माहौल को बना रहे हैं, बिहार में जनता से मिल रहे हैं और जनता के कष्ट को सुन रहे हैं। ऐसे में जब आज उन्होंने थाना का घेराव किया है और अल्टीमेटम दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो आने वाले समय में एक बात तो तय है कि नीतीश सरकार जिस तरीके से जनता के कटघरे में तो खड़ी हो रही है, लेकिन एक तरफ जहां तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं, अब अपने पिता के निराले अंदाज में तेज प्रताप ने भी नीतीश पर लगातार निशाना साधना शुरू कर दिया है। इस खबर पे हम आपको और अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहे न्यूज बिहार के साथ। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।